तो हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू प्लेटफॉर्म दैट इज ड्रीम आई डू। एंड मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ जो टीजीटी साइंस के लिए होगा, जो टीजी सी बी जेड और पीसीएम के लिए। हाँ, अगर रिगार्डिंग द एस्पिरेंट्स आई कैन चेंज माई डाइवर्सिटी ऑफ टीचिंग। एंड यहाँ पे जो 90 मार्क्स का भी कोर्स है वो भी मैं कवर करने के लिए सोच रहा हूँ। और जो सीरीज अभी स्टार्ट करने जा रहा है उसका, अगर उसी सीरीज को आप ज्वाइन होना चाह रहे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसी का लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो। और ये फोन नंबर भी अवेलेबल है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट करके वो बैच के बारे में भी पता कर सकते हो। बहुत जल्दी बैच शुरू होना है तो इसलिए बी क्विक आप ज्वाइन हो जाओ। और आज का क्लास में एक क्वेश्चन मैं डिस्कशन करूँगा जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। एक कुछ दिन के लिए मैं क्वेश्चन बस डिस्कशन करने जा रहा हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। और मैं इन बिटवीन ए वीक मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट करूँगा श्योर तुम्हारे लिए। तो ये था क्वेश्चन तुम्हारा, टू क्रिएट ए कोड फॉर ईच ऑफ द एम्प्लॉय इन ए कंपनी, 5 लेटर्स ए टू वी एंड 10 डिजिट्स 0 to 9 कैन बी यूज। ए कोड कंसिस्ट ऑफ 3 लेटर्स फॉलोड बाई 3 डिजिट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट और ऑल द 3 लेटर्स आर द सेम इन द कोड। तो यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे आपका एक 5 लेटर्स है जो कि ए टू ई है और 10 डिजिट्स है दैट इज 0 to 9, और ये सभी को लेकर आपका एक कैरेक्टर को लेकर एक आपका कोड बनाया जाएगा एम्प्लॉय के लिए। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 लेटर्स आर सेम, सभी लेटर्स इक्वल होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/25, 1/125, 72/1250 एंड 72/2500, इसको हम डिस्कशन करेंगे। देखिए यहाँ पे बेसिकली हमको क्या बोल रहा है, मेरे को एक 6 कैरेक्टर वाला एक पासवर्ड चाहिए और एक कोड चाहिए। तो मैं कितने वे में बना सकता हूँ, टोटल कितना मैं कोड बना सकता हूँ और विच कंटेन 6 कैरेक्टर्स दैट इज 3 लेटर्स एंड 3 डिजिट्स। देखिए मेरे को 6 कोड वाला एक पासवर्ड चाहिए और 6 कैरेक्टर वाला पासवर्ड चाहिए, और ये जो पहला तीनों कैरेक्टर होगा वो लेटर्स होगा और सेकंड तीनों जो होगा वो डिजिट्स होगा। तो पहला तीनों लेटर के लिए मेरे पास 5 लेटर्स था और मैं कोई भी लेटर यूज कर सकता हूँ, रिपीटेशन के बारे में कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मैंने यूज कर दिया 5 और यहाँ पे यूज कर दिया 5 और यहाँ पे यूज कर दिया 5। सिमिलरली 5 5 5 लेटर्स यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे 10 डिजिट से रिपीटेशन भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, इसलिए मैं टोटल इतने नंबर ऑफ कोड में बना सकता हूँ। लेकिन मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ऐसे एक प्रोबेबिलिटी चाहिए जैसे ये तीनों प्लेसेस में आपका सेम लेटर्स होगा। मतलब अगर ए से शुरू कर रहा हूँ तो ए ए ए होगा, बी 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 होगा, इस टाइप का कोड बनाने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। ये तो टोटल नंबर तुम्हारा सैंपल स्पेस आ गया, बस मेरे को ये चीज़ चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ऑथ लेटर्स आर सेम फॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो हम क्या करेंगे, पहले अगर मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे सपोज मैंने ए पुट कर दिया और उसके बाद सपोज ए पुट कर दिया और उसके बाद सपोज ए पुट कर दिया, तो यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ, यहाँ पे वही 10 10 10 रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन का कोई दिक्कत नहीं और रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड भी है। डिजिट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बस यहाँ पे हमको लेटर के लिए रेस्ट्रिक्शन दे रखा था। इसलिए यहाँ पे मैंने अगर ट्रिपल ए रख रहा हूँ, सेम ए रख रहा हूँ, तो यहाँ पे 10 10 10 हो सकता है और यहाँ पे नंबर ऑफ चॉइस 1 1 एंड 1, डिजिट ए के लिए, ए के लिए और ए के लिए। तो कितने में बना सकता हूँ, 10^3 नंबर ऑफ कोड में बना सकता हूँ। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे रख रहा हूँ, अगर ए ए ए अगर नंबर ऑफ चॉइस मैंने फिक्स कर दिया 1 1 एंड 1, लेकिन यहाँ पे चलेगा रिपीटेशन अलाउड 10 10 10। सिमिलरली बी 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 को लेकर अगेन 10 10 10, सी को लेकर अगेन 10 10, मतलब यहाँ पे 10^3 10^3 10^3 ऐसे कितने नंबर ऑफ कोड हो सकता है अगर यहाँ पे तीनों लेटर सेम होगा। सर ए टू फाइव, ए टू ई है, 5 लेटर्स है, तो ए टू ई के लिए 5 नंबर ऑफ 10^3 इतने कोड में बना सकता हूँ। टोटल कितना कोड, यहाँ पे मैंने दे रखा था टोटल कोड। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, डिवाइड कर दीजिए 5 इंटू 10^3 डिवाइडेड बाई इतना, तो आ जाएगा 1/25 एंड दिस इज योर राइट आंसर। गॉड ब्लेस यू, स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।